हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अनुमान हमारे मन की कल्पना है जो कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन अनुभव हमारे जीवन की वो सीख जो कभी गलत हो ही नहीं सकती। और ऐसे ही अनुभवी विष्णु भगवान कल्कि के रूप में धरातल पर विद्यमान हैं, ताकि अपने अनुभवों के द्वारा, जैसा उन्होंने पहले सतयुग की स्थापना की है, ठीक उसी प्रकार अपने जीवन के अनुभवों के द्वारा इस कलयुग को भी समाप्त करके एक नए युग की शुरुआत कर सकें, जिसका ऑलरेडी कार्य स्टार्ट हो चुका है। उनका मिशन लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है, तभी तो बदल रही है दुनिया और बदल रहा है भारत। भारतवर्ष में जो पिछड़ा कानून था, अंग्रेजों का कानून था, घिसा पिटा कानून, अब है बदलने को तैयार। क्योंकि जब तक कानून नहीं बदलेगा, लोगों को न्याय भी नहीं मिल सकता। ईश्वरीय न्याय भी धरती पर तभी हो पाता है जब धरती पर सारी चीज़ें एक सही ढंग से आगे की ओर बढ़ रही हों। यदि हम नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो हर चीज़ जो पुरानी थी उसे खत्म करके या उस पर एक नए आवरण का होना अति आवश्यक है। इसलिए पुराने घिसे पिटे कानूनों को खत्म करने का नियम अब स्टार्ट हो चुका है। वो कार्य प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, और लोगों को अब आस बंध गई है कि जिस न्याय की खातिर उन्हें अपनी सारी जिंदगी गुजार देनी पड़ती थी, अब उन्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द उन्हें न्याय मिल जाएगा। कल्कि देव वो अनुभवी मानव अवतार जिनके पास हमारे और आपके तरह धरातल की डिग्री तो नहीं है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो हम लोग लेकर अपने जीवन में कार्य करते हैं, उस तरह का क्वालिफिकेशन स्कूल कॉलेज का तो नहीं है, लेकिन अपने गुरु परशुराम के द्वारा उन्होंने अपने जीवन में जो शिक्षा ग्रहण की वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो ऐसी शिक्षा जो इस धरती को सही रूप से चलाने के लिए बेहद आवश्यक है, जिसका ज्ञान एक साधारण इंसान के पास कभी नहीं हो सकता। ऋषि मुनि सालों तक तपस्या करके तब वो ज्ञान अर्जित करते हैं, जिसके द्वारा वो ऐसी चीज़ें अपनी आँखों के सामने देख पाते हैं जिन्हें हम और आप नहीं देख पाते। वो ऐसा बदलाव करने की शक्ति अपने अंदर रख पाते हैं जो हमारे और आपके पास नहीं होती है। तो उनकी जर्नी कल्कि देव की जर्नी की ही तरह डिवाइन जर्नी होती है, जिसमें सीख जीवन की एक इस ढंग से मिलती है गुरु के द्वारा कि आजीवन उसका पालन करते हुए दुनिया में बदलाव करना पड़ता है। कल्कि देव को अस्त्र शस्त्र चलाने की न सिर्फ सीख दी गई, न सिर्फ उन्हें शिक्षा दी गई, बल्कि अपने गुरु परशुराम के सानिध्य में एवं शिव शक्ति के आशीर्वाद से उनकी ट्रेनिंग जब कंप्लीट हुई, तब पूरी तरह से तैयार होकर कलयुग में अपने उसी अनुभव को लोगों तक पहुंचाने के लिए धरातल पर वो पूरी तरह से तैयार हैं। अब असुरी शक्तियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनका अनुभव पहले की तरह आज भी उतना ही है, क्योंकि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला हमारी तरह और आपकी तरह नहीं है, बल्कि बेहद शक्तिशाली, न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी। आने वाले समय के लिए कल्कि देव ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं जो प्राकृतिक आपदाओं में संकटों से जूझने के लिए न सिर्फ फिजिकली फिट हों, बल्कि मेंटली भी स्टेबल हों। अचानक से आई मुसीबत का सामना करते समय अपना धैर्य ना खोएं। वो सिर्फ केवल अपने जीवन की रक्षा ना करें, बल्कि औरों की मदद भी करें।
ऐसे लोगों को तैयार करने के लिए जो बुराइयों में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। कल की सेना है तैयार और किसी न किसी माध्यम से वो ऐसे लोगों तक किसी न किसी जरिए अपनी बातें पहुंचा रही है कि किन किन लोगों को किस प्रकार आने वाले समय के लिए, आने वाले समय से लड़ने के लिए तैयार रहना है और किस प्रकार रहना है। क्योंकि आज के युग में जो एनर्जी हमारे चारों ओर है वो हमें फिजिकली भी हर्ट कर रही है, मेंटली भी हर्ट कर रही है। आज डॉक्टर्स का बोलबाला है, हर कोई डॉक्टर्स के पास पहुंच रहा है, काउंसिलर के पास पहुंच रहा है, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है। किसी की मेंटल हेल्थ जवाब दे रही है तो किसी की फिजिकल हेल्थ। कोई सोच ठीक ढंग से नहीं पा रहा है तो कोई अपने स्वास्थ्य को ही सही तरीके से नहीं रख पा रहा है। ऐसे लोग कैसे सतयुग में प्रवेश कर पाएंगे? तो ऐसी आत्माएं जिनके द्वारा कल्कि देव को अपने मिशन के तहत बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करवाने हैं, उन्हें कल्कि देव अपने जीवन की सीख के द्वारा, अपने जीवन के अनुभवों के द्वारा लगातार प्रेरित करते रहेंगे और पूरी तरह से तैयार कर देंगे, ताकि आने वाले समय की विभीषिका को देखते हुए ऐसे इंसान न डरे, न घबराए, बल्कि और अधिक हिम्मती बने एवं आने वाले समय की जानकारी उन्हें पहले से ही हो जाए। आसान नहीं होता है। कल्कि देव के द्वारा, विष्णु भगवान के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा, या यूँ कहिए डिवाइन की ईश्वरीय ताकत के द्वारा जब परीक्षा ली जाती है इंसानों की, और जिन्हें ठोक बजाकर उनके ही जीवन के अनुभवों के द्वारा उन्हें आने वाले समय के लिए तैयार किया जाता है, तो बहुत कष्टपूर्ण होता है, बहुत ही चिंताजनक होता है। और इस समय इंसान ऐसी परिस्थितियों में अपनी सब कुछ, अब जितना उसके पास पावर है, वो कहीं ना कहीं खो देता है। तो आने वाला समय चूंकि बेहद खतरनाक है, लेकिन ऐसे ही समय में कुछ लोग ऐसे इस पृथ्वी पर रहेंगे जो दुनिया वालों को एक नया रास्ता दिखलाएंगे, एक नए युग की ओर ले जाने के लिए, चलने के लिए, नेक कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो कल्कि देव वो अनुभवी मानव अवतार जिन्हें एक दो साल का अनुभव नहीं बल्कि 27 बार कलयुग में वो आकर जा चुके हैं। युगों युगों से उनका कार्य और उनका अनुभव पृथ्वी वासियों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उनके बिना, उनके आशीर्वाद के बिना और उनके अनुभव के बिना आज का इंसान अपने जीवन में ऐसे खतरनाक समय में न स्टेबल रह सकता है, न सही सोच को अपने माइंड के अंदर ला सकता है, ना ही दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।